डिव का जो एलिमेंट है वो एक बेसिकली कॉमनली यूज किया जाता है डिवीजन करने के लिए। आप एक पूरा आपका एक वेब पेज है, आपने उसको डिवीजन में करना है। अब हर ब्लॉक डिव बेसिकली यूज किया जाते हैं, आप डिवीजन के लिए यूज किए जाते हैं। तो गाइड स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एचटीएमएल का कंटेंट है वो डिवीजन द एलिमेंट इन द जेनेरिक कंटेनर और फ्लो द कंटेंट। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंटेंट और लेआउट अंटिल द स्टाइल इज यूजिंग अ सीएसएस यूजिंग अ प्योर कंटेनर। आपको एक प्योर कंटेनर द डिव एलिमेंट डज नॉट इनहेरिट रिप्रेजेंट एनीथिंग। इंस्टेड इट इज टू ग्रुप द कंटेंट सो इट कैन बी इजीली स्टाइल्ड स्टाइलिंग यूजिंग द सीएसएस और आईडी एट्रीब्यूट्स मेकिंग अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ बीइंग रिटन इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस। बेसिकली डिव हमें स्टाइलिंग स्टाइलिंग और एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है जो हम वेब पेज के अंदर बेसिकली एक एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट एलिमेंट को स्टाइल करना है तो हमने ब्लॉक बना लें उस डिव वो एलिमेंट बेसिकली एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है और उस डिव को हम उस एलिमेंट को हम फ्लोट कर सकते हैं राइट लेफ्ट कर सकते हैं और हम उसको उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। और बेसिकली वेब पेज में हमने अगर डिवीजन करनी है तो हम फिर भी हम डिव यूज किए जाते हैं। इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। वेब पेज को डिफरेंट पेजेस को डिवाइड कर लेते हैं हमने एक डिव के अंदर सेकेंड डिव के अंदर। इसी तरह हम यूज करते हैं डिव को डिफरेंट एक वेब पेज है उसको डिफरेंट एक कंटेंट हमने नेविगेशन बार है एक हमने सेक्शंस बनाए हुए एक आर्टिकल है तो इसलिए इस पर्पस के लिए डिव टैग यूज किया जाता है इन द वेब डेवलपिंग में। थैंक यू गाइस।